खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। आप ये बताइए जो गांधी जी के जो लोग हत्यारे हैं क्या वो आज गांधी जी पर माला नहीं चढ़ाते हैं? उनके चेले लोग कितना गंदा भद्दा भद्दा गाली बकते हैं गांधी जी को। शिवसेना भी पार्ट थी वो भी बाहर हुई, जेडीयू बिहार में थी वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है काम में हम लोग सफल हुए हैं, तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक News 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीते दिन दिल्ली रवाना हुए। हालांकि दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि AIADMK बीजेपी का साथ छोड़ दी है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार इंडिया गठबंधन की टूटने की बात करती थी, हालांकि एनडीए से खुद सभी पार्टियां धीरे धीरे अलग हो रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उन्होंने बीजेपी से अपने तमाम रिलेशंस को तोड़ दिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके बोला कि हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। इस तरीके से देखते हैं सर डेवलपमेंट? अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक ख़त्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है, ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा गट साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए शिवसेना भी पार्ट थी वो भी बाहर हुई, जेडीयू बिहार में थी वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए का मतलब ही नहीं रह गया है कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है देश चला रहे उसी पे काम चल। आप लोग पर मजाक उड़ाते थे कि आपका कुनबा पहले टूटेगा, आप लोग छितर बितर हो जाएंगे। हम लोग तो भाई एकजुट हुए हैं और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। वो काम में हम लोग सफल हुए हैं, तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है कि बैठक होता रहा। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है भाई, पिछले साल ही ना 9 तारीख को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था 9 अगस्त को कि हम सब लोग देश भर में इकट्ठा करेंगे और भाजपा को देश के सत्ता से बाहर करेंगे, तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। आज जिस तरीके से दीनदयाल जी की जयंती पे गए उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे भाई, ये राजकीय समारोह है और राजकीय समारोह में एज अ प्रोटोकॉल भी हम लोगों को जो है जाना पड़ता है। हालांकि किसी का व्यक्तिगत हम लोग विरोध नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वैचारिक सबका विचार अलग है, वैचारिक विरोध तो है ही ना भाई। अच्छा आप ये बताइए जो गांधी जी के जो लोग हत्यारे हैं क्या वो आज गांधी जी पर माला नहीं चढ़ाते हैं, फूल नहीं चढ़ाते हैं?
उनके चेले लोग कितना गंदा भद्दा भद्दा गाली बकते हैं गांधी जी को, सांसद से लेकर के सब, लेकिन फूल तो चढ़ाया जाता है भाई। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, जिन्होंने कल दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। वहीं उन्होंने AIADMK के बीजेपी से अलग होने पर कहा कि इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन की टूटने की बात कर रही थी, हालांकि NDA का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे सभी पार्टियां NDA से अलग हो जाएगी और 2024 में इनका जाना भी तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां एक तानाशाह बैठा हुआ है और दो व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें फैल रही थी कि वो एक बार फिर से NDA के साथ जा सकते हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब फालतू बात है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ हैं और हम सभी एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का जानबूझकर बीजेपी छवि खराब करना चाहती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल AIK News 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।